मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक ही परिवार के दो दो चिता एक साथ जलाया जा रहा है। आप कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं और सारे ग्रामीण यहां पे बैठ के इस चिता को जला रहे हैं। आखिर कैसे हो गया कि एक ही परिवार के दो दो जन एक साथ चले जाते हैं और इस दुनिया को छोड़ के। बताया जा रहा है कि इकलौता चिराग था, इकलौता पोता था इस परिवार का, और दादा यानी दादा और पोता एक साथ इस दुनिया को छोड़ के कैसे चले जाते हैं। हम यहाँ बात करेंगे इसमें कौन कौन जल रहे हैं इस चिता में। सिंहेश्वर मंडल, पुरुषोत्तम कुमार, दादा और पोता। हाँ, दादा पोता जल रहा है सर। दादा और पोता, हाँ दोनों दादा जल का रहा कौन चिता है? ये है इधर वाला, ये दादा का चिता जी है। वो पोता का, ये पोता का जी। एक साथ दोनों, दोनों एक साथ घटना हुआ, दोनों एक साथ का चिता जल रहा है। देखिए आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त हम मधेपुरा जिला के मधेपुरा प्रखंड के राजपुर मलिया पंचायत में है और बहुत दर्दनाक घटना है। एक साथ परिवार के दो दो जन समाप्त हो जाते हैं, एक दादा और एक पोता, दोनों का चिता एक साथ यहाँ पे जल रहा है, आपको दिख रहा होगा। क्या नाम है आपका? सुमित यादव। कैसी घटना हो गया, दोनों एक साथ चले गए? वो संदेश देने के लिए गया था, उधर से संदेश दे के आपस आ रहा था, फिर दोनों का घटना हो गया। अच्छा, गाड़ी उड़ी टक्कर उकर हुआ? जी जी, गाड़ी उससे टक्कर हो गया। हाँ, कौन सा गाड़ी था? स्प्लेंडर था। दूसरा कौन सा गाड़ी था टक्कर जो हुआ था? वो ट्रैक्टर था। ट्रैक्टर से हुआ था जी। अच्छा, कितना उम्र होगा उस पोते का, कितना उम्र था? 16-17 साल। 19 साल जी। बताया जा रहा है कि मात्र एक बेटा था वो। जी, सिंगल बेटा था उसको। उस दादा को क्या कहो, बेटा? एक बेटा। उसके बेटा को भी एक बेटा, एक बेटा, यानी कि उसका वंश खत्म हो गया। खत्म, हाँ वंश खत्म हो गया। एक ही इकलौता बेटा? हाँ, हाँ, इकलौता बेटा था। बताइए कितना दर्दनाक घटना है। छठ का प्रसाद लेके जो है अपने बेटी के यहाँ वो दादा गए हुए थे और उधर से लौटते वक्त लगभग हमको लगता है यहाँ से 70-80 किलोमीटर गाड़ी चला के वो लोग अप डाउन हो रहे थे। बाकी घर से मात्र 3-4 किलोमीटर की दूरी पे घटना होती है और एक साथ दादा और पोता इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। बताया जा रहा है कि दादा का जो दादा थे उनका एक बेटा था मात्र, यानी उनका बेटा, और पोता जो है वो भी मात्र एक पोता था। यानी कहा जाए कि परिवार में इतना बड़ा सदमा पहुँचा है कि बताया नहीं जा सकता। क्या नाम है आपका? सनोज कुमार जाता। यही घर है ना? पीपर पत्ता घर है। अच्छा अच्छा, कैसे आपको घटना की जानकारी मिली थी? जानकारी जैसे गाँव का पड़ोसी है, वहाँ पे हम लोग चौक पे सब्जी लेके आ रहे थे, देखे वहाँ पे दादा पोता पलटा हुआ था, चीन में नहीं आया था, हम लोग को बगल से देखे, फिर देखे यहाँ से अबला हुआ, दोबारा फिर देखने गया थे, हमारे गाँव का था, गाँव का पता लगा, बड़े पापा लगता, वो भाई लगता। अच्छा, जिस गाड़ी से टक्कर हुआ उस गाड़ी को पकड़ा गया था कि नहीं? नहीं नहीं, वो तो मार के निकल गया था, वहाँ कोई था ना, वहाँ पे कोई जवाब देने वाला जी नहीं था, वहाँ पे कोई जवाब देने वाला, कोई जवाब देने वाला नहीं था, कोई जवाब देने, कोई पकड़ धकड़ भी करता हाँ भाई ये आदमी था, तो कोई जवाब नहीं मिला वहाँ पे, और मार के निकल गया वहाँ से। अच्छा, वहाँ पे घटना होने के बाद आप लोग रोड रोड भी जाम किए? हाँ, जाम किए थे ना, जाम ताम किए थे, आगे पूरा 2 घंटे पूरा आगे पीछे जाम कर दिया था, बीच में लाश पड़ा हुआ था, आगे पीछे जाम कर दिया। रोड जाम करने के बाद कोई अधिकारी पदाधिकारी लोग आए थे क्या? आया था, थाना प्रभारी, थाना प्रभारी आया था। अच्छा, क्या आश्वासन दिए थे वो लोग? बोला जो है मुआवजा था, जो जो हुआ है सब मिलेगा, इसका हम जो है रिपोर्ट लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, आप लोग स्थिर रहिए, यही बोला थाना प्रभारी। कैमरा घुमा के दिखाइए एक बार, तमाम ग्रामीण यहाँ पे जो इस दुख की घड़ी में सबको इस परिवार के साथ शामिल है। आज इतना बड़ा दुख है, सारे ग्रामीण लोग उस दुख के घड़ी में शामिल होकर यहाँ पे बॉडी का अंतिम संस्कार यहाँ पे किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनका बेटा कहाँ है, आ जाइए एक बार। आप ही का पिताजी और बेटा दोनों एक साथ खत्म हो गया जी। क्या गो बेटा आपको? एक बेटा है, एक बेटी, मात्र एक बेटा था। कितना उम्र होगा उसका? 17-18 वर्ष। 19 साल। अच्छा, कहाँ पे गया था प्रसादी लेके, कहाँ पे गया था? वो खोजरी गया था, थरवा है वो खोजरी पास, वहीं से लौट रहा था। कैसे एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे जाने के बाद, कुछ पता चला कैसे हुआ था? बोला कोई गाड़ी था उसमें धक्का लगा और गाड़ी वाला निकल गया, जब तक मैं आदमी गया तब तक गाड़ी निकल गया। अच्छा, वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गया था क्या? मतलब हॉस्पिटल ले जाने का भी समय नहीं मिला, स्पॉट हो गया। आपके पिताजी का क्या नाम था? उनका कितना उम्र होगा? 70 वर्ष। 70 वर्ष के आसपास। बताइए कितना दर्दनाक घटना है, बाइक और ट्रैक्टर का टक्कर होता है और उस ट्रैक्टर और बाइक के टक्कर में ऑन द स्पॉट दादा और पोते का जान चले जाता है। इतना भी समय नहीं मिला कि उनको हॉस्पिटल ले जाते इलाज के लिए भी, वहीं ऑन द स्पॉट खत्म हो जाते हैं। बहुत दर्दनाक घटना है। आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर कि बाइक से लोग जो सवारी करते हैं, बाइक से अक्सर रोड पर चलते हैं, उनको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आज बताइए परिवार का इकलौता चिराग था, इस पिताजी का क्या हालात होगा,
यानी इनका पिता भी गया, इनका बेटा भी गया, इकलौता बेटा था और पिताजी तो थे ही, दोनों एक साथ चले जाते हैं, बाकी परिवार के लोग भी हैं, साथ में ग्रामीण भी हैं, सब लोग एक साथ इस दुख के घड़ी में शामिल हैं। लेकिन आखिर ये दुख के घड़ी में कितनों भी लोग शामिल हो जाए, लेकिन इस दुख को जो है कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दुख बहुत बड़ा है। बाकी आप लोग के राय विचार का इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।